अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक हूँ, खुश रहें, आबाद रहें। आज गुड़ शकर के किचन में बनने लगा कद्दू शरीफ और चिकन। यह हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा डिश थी, वह बड़े शौक साथ खाया करते थे, इसलिए मैं भी शौक से अब खाती हूँ और आज यही बनने लगा हमारे घर। ये भाई ले गया था सुबह फ्रेश फ्रेश, देखिए कितने फ्रेश हैं माशाल्लाह। ये मैंने कट कर लिए हैं, 1 kg से भाभी होंगे। और ये साथ चिकन है 1/2 kg, और ये आनियन है 2 medium size के, 2 tablespoons जिंजर गार्लिक और 1 tomato। ये मैंने इसका पेस्ट कर लिया। 1 tablespoon साल्ट, 1 tablespoon रेड चिली, ये हल्दी 1/2 teaspoon, ये गार्निश के लिए मेथी कसूरी, इसकी बड़ी अच्छी खुशबू आती है, डाले ना आप टेस्ट आता है। ये ग्रीन चिली कट करके रखी है 4-5, ये हरा धनिया, इसका भी अपना टेस्ट है। मैं गरम मसाला नहीं ना डालती, फिर मैं ये मेथी कसूरी डाल देती हूँ। ओके चले जी, फिर स्टार्ट करते हैं जी। आज मैंने ऐड कर लिया, ये थोड़ा सा गरम हो जाए तो फिर डालती हूँ इसमें आनियन। ये 1/2 cup ऑयल डाला, जिंजर गार्लिक, ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है मेरा प्याज, जिंजर गार्लिक सब रेडी हो गया। मैं इसमें डालने लगी स्पाइसेस, ये सारे रेड चिली और ये हल्दी। अब इसे थोड़ी देर भूनते हैं, 5 मिनट के बाद फिर आते हैं। मसाला अच्छी तरह भून चुका है, अब इसमें जाएगा चिकन। भून दिया, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह, फिर इसमें कद्दू डाल देंगे। चिकन भुना जा रहा है अच्छी तरह से, भून जितना आप भूनेंगे ना उतना अच्छा खाना बनता है, खाने में टेस्ट आता है। अच्छी तरह भून दिया, फिर वो डाल दिया कद्दू, माशाल्लाह अच्छी तरह भून चुके चिकन। ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना मैंने अच्छी तरह भूना, ये देखिए अब सही हो गया। अब इसमें जा रहे हैं कद्दू शरीफ माशाल्लाह, जो फ्रेश होती है ना वेजिटेबल, उसका बहुत टेस्ट आता है। जब भी मंगवाएं ना फ्रेश वाली नहीं, आप मेरी मम्मी मंगवाती है ना, वो कहती है फ्रेश लेके आनी, फ्रेश का अपनी डीजिए। आप कद्दू लेके आए थे माशाल्लाह, सही फ्रेश था। चलो अब थोड़ा ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह भून चुके हैं मेरे ये कद्दू जो है। अब मैं थोड़ा सा पानी डाल के ना इसे 5 मिनट के लिए स्टीम दे देती हूँ, फिर मिलते हैं। ये देखिए माशाल्लाह मेरा रेडी हो चुका है, चलें इसकी गार्निश करते हैं। ये डालते हैं मेथी कसूरी, ये ग्रीन चिली, धनिया, और इसे करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाह,
ये देखे टी शॉर्ट हो चुका है, इसकी भी थोड़ी सी गार्निश हो जाए। वाह देखिए कितने मजेदार यमी बने हैं, माय फेवरेट, कितने जबरदस्त किलो क्या। प्यारे व्यूवर्स ये देखे खाना मेरा हो चुका है रेडी। ये देखे माशाल्लाह कितनी जबरदस्त बने हैं, मजे के साथ तंदूर की रोटी, साथ मेलन, साथ चटनी और ये मकई का आटा, ये गूंदना। मैं पढ़ रही थी एक बुक में, देख रही थी उसमें लिखा हुआ था कि जो कद्दू को खाते हैं ना, जिन लोगों को शुगर है ना, शुगर के मरीजों के लिए दी बेस्ट है ये कद्दू। कुरान पाक की पारा नंबर 30 में सूरत अल तारिक है, कहते वो एक दफ़ा पढ़ के ना पानी पे फूंक मार ले, उस पानी से आप मकई का आटा गूंद ले। ये मैंने मकई का आटा रखा है, ये मम्मी के लिए रखा है, इससे मकई का आटा आप गूंद ले अच्छी तरह, जो पानी बकाया बचा है ना वो मरीज को पिला दे, जो शुगर का मरीज है ना वो पानी पी ले, इसकी रोटी बेल के ना कद्दू के साथ आप खाएं, तो इंशाल्लाह आपकी शुगर जड़ से ख़त्म हो जाएगी। अगर 100 साल पुरानी भी शुगर होगी ना वो भी इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। एक दफ़ा खा के शुगर चेक कराएं, नहीं तो कह रहा फिर आप 2-3 दफ़ा, हद 3 दफ़ा में बस बिल्कुल क्लियर हो जाएगी आपकी शुगर। अच्छी बात फैलाना भी सदका जारी है, इसलिए मैंने आप सबको बताया है अगर आपके आसपास कोई शुगर का मरीज है तो वो ये ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह उसकी शुगर ख़त्म हो जाएगी। आज मैं मम्मी के लिए रोटी बेलने लगी हूँ, ये मैंने मकई का आटा मंगवा के रखा है, तो अब मैं फारग होके ना इंशाल्लाह तो फिर मामा के लिए रोटी बनाऊँगी, फिर मामा कद्दू के साथ खाएगी। और सूरत अल तारिक पारा नंबर 30 में है, वो पढ़नी है, पढ़ के पानी पे आपने दम करना है, फूंक मार के उस पानी से आपने आटा गूंदना है। समझ आ गई आप सबको? इंशाल्लाह आ गई होगी, ऐसे करना है। कद्दू का सालन हो या कोई और भी हो, हाँ कद्दू का सालन ज़रा अच्छा है क्योंकि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा डिश है। चले जी फिर स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। माशाल्लाह साथ तंदूर की रोटी है, वाह जबरदस्त। बिस्मिल्लाह करते हैं जी, ये देखिए माशाल्लाह, बिस्मिल्लाह, अभी हार्ड है बड़ा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मेरे प्यारे व्यूअर्स के नाम ओके, जबरदस्त वो जमी बना है, ब्लू टाइप ही जगह, ये ग्रीन चीनी किस किस को जाना मेरी तो फेवरेट है, आप कहते होंगे ये ग्रीन चीनी बड़ी खाती है मुझे बड़ा मजा आता है इसका क्रिप्सी क्रिप्सी, चिकन भी सही टेंडर हो गया माशाल्लाह, जबरदस्त। यमी बना है क्या बताऊं, माशाल्लाह बहुत फेवरेट बना है, मजे का। ये देखिए मेरी ग्रीन चटनी, इसके साथ और मजा आता है। अगर ग्रीन चटनी और सैलड ना साथ हो, मेरे जो भाई हैं ना मेरे शहजादे भाई वो खाते नहीं हैं, वो कहते सैलड बनाओ चटनी रेडी करो फिर हमने आना है टेबल पे, ऐसे नहीं आना हमने टेबल पे। मेरे सोने भाई अल्लाह ने लंबी जिंदगी दे, ढेरों खुशियां अदा करे, आमीन। वाओ अमेजिंग, बहुत मजे का बना, मेलन खाते हैं
मेलन भी बड़ा जबरदस्त है। आजकल के मेलन बड़े मजे के हैं, जूसी और इतने स्वीट हैं, दिल करता खाते जाओ। जबरदस्त। आज इतने मजे के माशाल्लाह ये बने हैं, आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी को फॉलो कीजिएगा, आपके भी बहुत मजे के यमी बनेंगे। ऐसे कूल कूल फील होता है इसे खा के ना, आपको स्किन बर्न नहीं करती, स्टमिक बर्न नहीं करता, ये स्टमिक के लिए भी बहुत अच्छे हैं, इनके बहुत सारे बेनिफिट हैं, इसे जरूर खाना चाहिए सीजन में, इसे जरूर 3-4 दफा। अब मैं इंशाल्लाह कद्दू दाल बनाऊंगी, उसका भी बड़े इतनी यमी मेरी बनती है कद्दू दाल साथ प्लेन राइस, इतना मजा उसके साथ आता है, साथ उसके साथ पिकल्स, और वाह कितने मजे आएंगे, साथ पकोड़े हो जाएं, वाह यमी यमी, फिर और भी मजा आएगा इंशाल्लाह। फिर किसी दिन मैं बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी और आप खाइएगा मेरे हाथ का। अच्छा जी, आप फिर आपसे इजाजत चाहती हूँ, बाय बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।